हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान का। लास्ट वीडियो में मैंने माइक्रो लेसन प्लान के बारे में बताया था कि माइक्रो लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें किस क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं। तो आज मैं आप लोगों को लेसन प्लान का फॉर्मेट बताती हूँ और उसके बाद उसकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं लेसन प्लान में, तो उसको मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेसन प्लान का फॉर्मेट देखते हैं कि लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने फॉर्मेट बना कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने माइक्रो लेसन प्लान में बनाया था, तो हमें सबसे पहले क्या डालना है, डेट डालना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जिस भी सब्जेक्ट का हमारा लेसन प्लान होगा, और टॉपिक जो है एज़ यूजुअल हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद ही ऐड करेंगे। टॉपिक आपको पहले नहीं लिखना है, पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होंगे, उसके बाद ही आप बोर्ड पर टॉपिक लिखेंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपका पहला काम होगा जब आप क्लास में एंटर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पर डालनी होंगी, जो ब्लैक बोर्ड होता है तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डालनी होंगी। ये पहला काम होता है टीचर का। तो आपको डेट डालना है, सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद क्लास, कौन सी क्लास में आप हैं, कौन सा पीरियड आप ले रहे हैं, और ड्यूरेशन कितना है। तो ड्यूरेशन नॉर्मल क्लासेस का 30 मिनट्स to 35 मिनट्स होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। ठीक है, तो ये लेसन प्लान का जो पहला फॉर्मेट है। और एक बात के, लेसन प्लान जो है वो हम लोग कहाँ पर पढ़ाते हैं, बीएड की टीचिंग में, थर्ड सेमेस्टर में जो है, तो ये प्रैक्टिस टीचिंग होती है। लेसन प्लान इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप टीचिंग की प्रैक्टिस कर सकें जाके। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं किसी और स्कूल के, तो उनके सामने ये आपको उन स्टूडेंट्स को जाके, सेम क्लास के बच्चों को, जिनके लिए आपने लेसन प्लान बनाया है, तो उन्हीं को जाके पढ़ाना पड़ता। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया कि हमने ये सारी चीज़ें बोर्ड पर लिख दी, ब्लैक बोर्ड पर। उसके बाद हमारा जो लेसन प्लान है, उसमें हमें डालना है जनरल एम। अब जनरल एम में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि, या फिर जनरल ऑब्जेक्टिव भी आप कह सकते हैं, तो ये क्या होता है, जनरल एम और जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो हम बता दें आपको कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से वो स्टूडेंट जो है वो क्या सीखेगा, यही चीज़ें हमें जनरल एम में डालनी होती हैं। ठीक है, कि उस सब्जेक्ट से उस स्टूडेंट को क्या फ़ायदा पहुंचेगा। सपोज़ करिए कि अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो उसका जनरल एम हम कैसे बनाएंगे, कि उससे क्या होगा कि स्टूडेंट की रीडिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप होगी, राइटिंग एबिलिटी जो है डेवलप होगी, उसका कॉम्प्रिहेंसिव लेवल जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जनरल एम में आ जाती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या डालनी होती है इस फॉर्मेट में, वो है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम क्या होता है, स्पेसिफिक एम में हमें लिखना पड़ता है जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, तो उस टॉपिक का जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर उस टॉपिक से जो स्टूडेंट है वो क्या सीखेंगे, तो ये हमें ऐड करना होता है स्पेसिफिक एम में। ठीक है, और एक चीज़ है कि स्पेसिफिक एम में जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती है, जो उसके बहुत सारे ब्लूम्स ने वर्ब दिए हुए हैं अपनी टैक्सोनॉमी में, जो कि आपने पढ़ा होगा, कॉग्निटिव होता है, स्किल और जो है उसके अलावा नॉलेज होती है, एप्लीकेशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे वर्ब होते हैं जो आपको अपने स्पेसिफिक एम में जो है यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, मैं आपको लेसन प्लान जब बना कर दिखाऊंगी, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको दे दूंगी, और वो वर्ब्स के जो वर्ब्स का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद जब हमने स्पेसिफिक एम लिख लिया है उसके बाद हमें डालना है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन तक हमने माइक्रो लेसन प्लान में बना लिया था, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर भी चार पांच इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखने होंगे। यहाँ पर भी तीन कॉलम बनेंगे, सीरियल नंबर होगा, उसके अलावा आपकी जो एक्टिविटी होगी, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको देना है, उसके अलावा स्टूडेंट का जो रिस्पांस होगा वो भी आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देना है, स्टेटमेंट ऑफ एम कि मैं आज ये पढ़ाने जा रही हूँ, जो भी चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद जो है आपको क्या लिखना पड़ता है, टीचिंग एड और मटेरियल यूज़। क्या करना है कि टीचिंग एड जो है माइक्रो लेसन प्लान में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप हर लेसन प्लान के साथ कोई ना कोई टीचिंग एड ले जाएं, चाहे वो ग्राफ हो या मैप हो या फिर कोई चार्ट आप बना कर ले जाएं, तो टीचिंग एड जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपने जो भी मटेरियल यूज़ किया है उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो मेन जो चीज़ें हमें डालनी होती हैं वो इस तरह से बनती हैं, ये फॉर्मेट है उसका और ये सारे कॉलम्स बनाए जाते हैं। सबसे पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम होगा टॉपिक का कि हम क्लास में कौन कौन सी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सपोज़ करिए कि अगर मैं नाउन को डिफ़ाइन करने जा रही हूँ तो पहले मैं यहाँ पर नाउन लिखूँगी, उसके बाद अगर मैं उसके बाद उसके टाइप्स को बताऊँगी तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नाउन लिखूँगी, उसके बाद यहाँ पर मेरा जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, जिस तरह से मुझे पढ़ाना होगा, जो भी मैंने डिफिनेशन बताई है या जो भी किया है उसको मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ये मेरी ओवरऑल एक्टिविटी होगी, ये टीचर की ओवरऑल एक्टिविटी यहाँ पर मेंशन होगी। इसके बाद आता है स्टूडेंट रिस्पांस, आपकी एक्टिविटी पर स्टूडेंट का क्या रिस्पांस है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट है वो चुपचाप आपकी बात सुन रहे होंगे, अटेंटिव होंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपने कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो यूज़ किया है। मैंने आपको बताया था कि टीचिंग स्किल्स अलग अलग होती है और हमें वो सारी स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, तो कौन सा मेथड, अगर मैं नाउन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा कि मैंने एक्सप्लेनेशन मेथड जो है यूज़ किया है, ठीक है। अगर मैं कोई एग्जांपल देकर बता रही हूँ तो मुझे यहाँ पर मेंशन होगा कि इलस्ट्रेशन विथ एग्जांपल मैंने यहाँ पर वो मेथड यूज़ किया है। तो आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किया है उसको भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेंशन इस तरह से करेंगे कि उस चीज़ का छोटा सा सैम्पल, मतलब कि उसकी छोटी सी कॉपी बनाकर आपको यहाँ पर पेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे उसकी भी कॉपी आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर लेकर उसके ऊपर जो है आपको लिखकर यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप शो कर सकें कि मैंने अपना पूरा जो भी मैंने क्लास में मुझे जो भी पढ़ाया है वो किस तरह मैंने कवर किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि इसके बाद क्या लिखना पड़ता है। ये देखिए, इसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो है वो ये होता है कि स्टूडेंट आपकी बात कितना समझ पाए, आपने जो एक्सप्लेन किया है वो स्टूडेंट्स ने समझा है या नहीं, तो उससे आपने जो भी पढ़ाया है उसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो आपका हो गया कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड वर्क। इसके बाद एक ब्लैक चार्ट पेपर लेके आपको अपना पूरा जितना भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है वो उसको पूरा ब्लैक बोर्ड वर्क आपको यहाँ पर शो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकैपुलेटरी क्वेश्चन। रिकैपुलेटरी क्वेश्चन क्या है कि जिस तरह से आपने एक दो क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए या फिर किसी का एग्जांपल पूछ लिया, तो ये चीज़ें रिकैपुलेटरी क्वेश्चन में होती हैं, ठीक है।
इसके बाद क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ये आपका ऑब्जर्वेशन है कि आपने क्लास को किस तरह से ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने क्या क्लास में राउंड लगाया है या फिर किसी स्टूडेंट को जो है समझाया है, तो वो आपका जो भी ऑब्जर्वेशन था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट होता है होमवर्क। आप होमवर्क देंगे और उसको स्टूडेंट जो है डायरी में नोट करेंगे और नोट करने के बाद जो है ये हमारा क्लास जो है यहाँ पर ओवर हो जाएगा। और यही है लेसन प्लान का फॉर्मेट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं माइक्रो लेसन प्लान बनाकर दिखाऊंगी और फिर आप लोगों को लेसन प्लान बनाकर दिखाऊंगी कि आखिर उस चीज़ को बनाते कैसे और उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। और उसके साथ ही मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है उसके जो भी वर्ब्स हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में डालने हैं वो भी मैं आपको दे दूँगी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।